जवानी की उम्र से ही शुरू हो जाने वाली एक बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो क्या है? वो है शरीर में दबी हुई नस, नसों में होने वाला दर्द, वातरो, बॉडी में जगह जगह होने वाला दर्द। आखिर ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? हमारी लाइफस्टाइल में एक चीज जो आ गई है, कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे बैठे काम करना, क्योंकि आजकल के जॉब ही ऐसे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई होती ही नहीं है। इसकी वजह से शरीर की नसों में दर्द और बॉडी में वायु रुकने लग जाती है। नस दबने से बॉडी के जोड़ों में वायु रुकी रहने से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, कमर दर्द और घुटनों में दर्द रहने लगता है। नस दबने से और बॉडी के जोड़ों में वायु रुकने से और क्या होता है? नस दब जाती है तो उस नस के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो नस सिकुड़ जाती है। और ये ठीक नहीं हो तो आगे चलकर नस दबने से वो जगह डैमेज भी हो जाती है और लकवे जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए नस दबने की समस्या को लाइटली नहीं लेना चाहिए और अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? एक उपाय है जो इस दबी हुई नस को, आपकी नसों की कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करेगा, और इसके साथ ही ये वीर्य की कमी, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, इन सब में बहुत ही फायदा करेगा। क्या है ये उपाय? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। इस नुस्खे को तैयार कैसे करेंगे? इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक चीज हम लेंगे, ये मेथी दाना। मेथी दाना के इतने फायदे हैं कि गिनाए नहीं जा सकते, बहुत सारे तो आप जानते ही हैं। ये मेथी दाना कब्ज, पेट की गैस और बवासीर की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है, उस ब्लॉकेज को ये खोल देता है। बॉडी में अगर आपकी वायु बढ़ गई हो तो वायु को भी बैलेंस कर देता है। डायबिटीज वालों के लिए तो ये अमृत है। ये शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को खत्म करता है। ये मेथी दाना एक ऐसी अद्भुत चीज है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ये स्किन को भी डैमेज नहीं होने देता, जिससे हम लंबे टाइम तक जवान दिखते रहते हैं। ये मेथी दाना और क्या काम करता है? ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, बॉडी में कफ नहीं बढ़ने देता, दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी रखता है। जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई हो, नसों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उनके लिए ये बहुत कमाल का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेथी दाना आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस नुस्खे के लिए एक चीज हम काम में लेंगे, सौंठ। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सेहत के लिए सौंठ कमाल की चीज है। ये जोड़ों के दर्द, नसों की ब्लॉकेज और अर्थराइटिस के लिए रामबाण चीज है। वैसे भी अगर आप दिन में एक बार आधा चम्मच सौंठ का पाउडर गर्म पानी के साथ खाते हैं तो खांसी, जुकाम, बुखार, गैस, कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, भूख कम लगना, पेशाब की समस्याएं, वात रोग और अस्थमा आपको कभी नहीं हो सकता। नसों में दर्द और जोड़ों के दर्द के आज के नुस्खे के लिए एक चीज मैं अजवाइन काम में लूंगी। आयुर्वेद में अजवाइन को वात रोग और पेट की बीमारियों का काल बताया गया है। इसलिए हमारी दादी नानी हर तरह के दर्द के लिए, एसिडिटी, पेट में जलन वगैरह के लिए अजवाइन का यूज करती आ रही है। अगर इतना सिंपल काम भी हम कर लें कि डेली दिन में एक बार आधा चम्मच अजवाइन खाकर हल्का गुनगुना पानी पी लें, तो ये सीने में होने वाली जलन को ठीक करती है, खाना पचाने की ताकत को बढ़ाती है, खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करती है, नपुंसकता को भी दूर करती है और किडनी की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो आइए दोस्तों, आज इन छोटी छोटी चीजों को यूज करके हम बनाते हैं जोड़ों के दर्द, नसों के रोग, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस, थकान, कमजोरी और बंद नसों की ब्लॉकेज को खोलने का रामबाण नुस्खा। जोड़ों के दर्द के लिए जो घरेलू नुस्खा तैयार करना है, उसके लिए आपको चाहिए लौकी और सौंठ का पाउडर। नुस्खा तैयार करने के लिए लौकी का रस निकालना होगा। इसके लिए लौकी का एक मीडियम साइज का टुकड़ा लेकर उसे छील लीजिए और उसके टुकड़े करके मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए। ध्यान रखिए, लौकी कड़वी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिक्सी में पीसने के बाद आप इसे चलनी में से छान लीजिए ताकि लौकी का रस निकल आए। आपको इस तरह से एक कप लौकी का रस निकाल लेना है। अब लौकी के इस रस में आपको आधा चम्मच सौंठ का पाउडर अच्छी तरह से मिला लेना है। जोड़ों के दर्द यानी अर्थराइटिस के लिए एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है। आपको इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना है। अगर अर्थराइटिस की अभी शुरुआत ही है तो इस नुस्खे को यूज करने से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा चाहे अर्थराइटिस की बीमारी को बहुत ज्यादा समय हो गया हो या इसके कारण बैठे बैठे ही समय गुजारना पड़ता हो और दर्द के कारण काम करना भी मुश्किल हो चुका हो,
उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है और लगातार यूज करते रहने पर अर्थराइटिस की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही ये गठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस या आमवात और जोड़ों की सूजन के लिए भी बेहद कारगर घरेलू नुस्खा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी बॉडी में मौजूद सभी जॉइंट्स के लगभग सभी तरह के दर्द को ठीक कर देता है। जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए आपको मेथी दाना को भिगोकर काम में लेना है। इसके लिए आप रात के समय 4 छोटी चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालकर भिगो दीजिए। पानी बाहर ही रखा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। मेथी दाना को भिगोने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धो लेना चाहिए ताकि उस पर हानिकारक धूल मिट्टी और केमिकल वगैरह नहीं रहे। सुबह इस पानी को छान लीजिए। रात भर पानी में मेथी दाना भीगने के कारण पानी का रंग थोड़ा पीला भूरा हो जाएगा, यानी अब ये नॉर्मल पानी से दवा वाला पानी बन चुका है जो अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर देता है। मेथी दाना के इस पानी को आपको ऐसे ही नहीं पीना है। इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जब पानी पीने लायक हल्का गर्म हो जाए तब आपको इस पूरे पानी को पीना है। इस तरह मेथी दाना वाला ये पानी रोजाना सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीते ही बॉडी में जोड़ों, मांसपेशियों और टिश्यूज की सूजन तुरंत ठीक होने लगती है। मेथी दाना पानी पीने से नसों नाड़ियों में मौजूद सभी तरह की ब्लॉकेज दूर हो जाती है। 1 हफ्ते में ही इससे अर्थराइटिस के दर्द में बहुत आराम मिल जाता है। रोजाना लगातार लंबे समय तक इसे लेने से अर्थराइटिस की दवाएं छूट जाती हैं। जो भीगा हुआ मेथी दाना आपने छानकर निकाला है उसे फेंके नहीं बल्कि उसे अंकुरित कर लीजिए। जैसे मूंगमोट को अंकुरित करते हैं उसी तरह मेथी दाना को भी अंकुरित कर लीजिए। इस अंकुरित मेथी दाना को भी रोजाना खाना चाहिए। ये अर्थराइटिस को ठीक करने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। ये दोनों काम रोजाना करते रहने से 1 महीने के अंदर ही अर्थराइटिस की बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है। लगातार इसे लेते रहने से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अर्थराइटिस या गठिया के लिए आपको अजवाइन का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, वही अजवाइन जिसे रसोई में मसाले में काम में लेते हैं, अगर उसके पाउडर का यूज किया जाए तो ये गठिया को जड़ से खत्म कर देती है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए आप 100 ग्राम अजवाइन को एक छोटी कढ़ाई में थोड़ी देर सेक लीजिए। सेकते हुए जब अजवाइन की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। अब आप इस सिकी हुई अजवाइन को मिक्सी में डालकर पीस लीजिए ताकि इसका पाउडर बन जाए। अजवाइन के इस पाउडर की 1 चम्मच ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लीजिए। इसे आपको रोजाना सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ खाना है। रोजाना इसे खाने से 1 हफ्ते के अंदर ही गठिया के कारण जाम हुए जॉइंट्स खुलने लगते हैं, जोड़ों में होने वाले दर्द में काफी कमी आ जाती है। 1 महीने तक लगातार इसे लेते रहने से हमने देखा है कि अर्थराइटिस की दवाएं छूट जाती हैं। लगातार इसे लेना चालू रखना चाहिए, ये गठिया को जड़ से खत्म कर देता है। अगर आपका बीपी हाई रहता हो या शरीर में गर्मी बहुत हो फिर आप इस रेमेडी को यूज नहीं करें, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है। अजवाइन की यही गर्मी और उसमें मौजूद खास तत्व बॉडी में वायु का फ्लो और खून का फ्लो ठीक करते हैं। ये पाचन तंत्र को ठीक करते हैं जिससे बॉडी में वायु बनना बंद होती है। वायु दूषित नहीं होती, वायु का बैलेंस बॉडी में बना रहता है और ये जॉइंट्स में जाकर रुकती नहीं है। साथ ही ये जोड़ों की सूजन को भी खत्म करता है। इस तरह एक छोटी सी अजवाइन इतने सारे काम करती है और गठिया जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिला देती है। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।